का यूज करेंगे, आई विश आई कुड का यूज करेंगे, आई विश आई वर का यूज करेंगे, या फिर आई विश आई वुड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को आज आप गुड बाय कह देंगे, क्योंकि मेरी सीरीज में आप ये समझ जाएंगे काश वाले सेंटेंसेस में कब और कहां कैसे आपको यूज करना है। सबसे पहले हम समझेंगे आई विश आई हैड का, और ये है पोजेशन वाले सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, आपको पता है मेरे पास एक मोबाइल है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल। आपको भी पता होगा इसको इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। इसको इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे कहना हो काश मेरे पास एक मोबाइल होता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड्स, जब मैंने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, तो हमने इसको इंग्लिश में बोला आई हैव अ मोबाइल। और अब मैं कह रही हूं काश मेरे पास एक मोबाइल होता, तो यहां पर हम हैव की जगह यूज करेंगे हैड का, और काश के लिए जिस इंग्लिश वर्ड का हम यूज करते हैं वो है आई विश। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई विश आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। काश मेरे पास एक घर होता, आई विश आई हैड अ होम। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। काश मेरे पास एक बाइक होती, आई विश आई हैड अ बाइक। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। काश मेरे बहुत सारे दोस्त होते, आई विश आई हैड मेनी फ्रेंड्स। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, आई विश आई हैड अ गर्लफ्रेंड। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। काश मेरा एक बॉयफ्रेंड होता, आई विश आई हैड अ बॉयफ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे थे पोजेशन वाले सेंटेंसेस, जिसमें हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम यूज करते हैं हैव का, और अगर हमारे पास वो चीज नहीं है और हम सोचते हैं काश मेरे पास ये चीज होती, तो हैव की जगह हम यूज करेंगे हैड का, और काश के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई विश। अब फ्रेंड्स, बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है, काश मेरे पास एक हीटर होता। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।